कुछ दिनों पहले ही मुंबई में देश की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को अनवील किया गया। 900 ऐसी और बसेस मुंबई में आने वाली है, लेकिन अगर गौर करें तो मुंबई छोड़ के देश के किसी भी बड़े शहर के अंदर आज डबल डेकर बसेस जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हुए नजर नहीं आती। मे बी कुछ टूरिस्ट रूट चलते हो, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए वो नहीं है। लेकिन अगर 1960s, 70s और अर्ली 80s की बात करें तो देश के हर बड़े शहर के अंदर डबल डेकर बसेस चला करती थी। दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, सारे शहरों के अंदर ये डबल डेकर बसेस चलती थी। तो उन्हें क्यों डिसकंटिन्यू किया गया, इसी चीज के बारे में आज हम जानेंगे। वैसे दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टॉक फुटेज हमें नेसेसरी होता है वीडियो बनाने के लिए, वो ज्यादा अवेलेबल है नहीं मुंबई के डबल डेकर बसेस के ऊपर। जो अवेलेबल है वो लाइसेंस करना डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से कई सारी वीडियोस जो आप यहाँ पे देखोगे वो जरूरी नहीं है कि मुंबई या इंडिया के ही स्टॉक फुटेजेस हो। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले बात कर लेते कि 1960s, 70s में बसेस जो है वो क्यों कॉमन थी। देश की ज्यादातर पॉपुलेशन 1960s, 70s में शहरों में नहीं रहा करती थी। देश के शहर इतने बड़े नहीं थे, जिसकी वजह से जो चौड़ी सड़कें थी, जो कंजेशन था, जो ट्रैफिक इश्यूज थे, वो बहुत ही कम थे, जिसके कारण डबल डेकर बस जैसे हेवी और बड़े व्हीकल्स को चलाना भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, स्पेशली पैसेंजर्स के लिए। पैसेंजर्स के लिए जरूरी होता है कि वो टाइम पे ही इजीली पहुंचे और कंफर्टेबल वो हो, जो शहर के बढ़ते कंजेशन के साथ में डिफिकल्ट हो गया। जो डबल डेकर बसेस होती है वो होती है हेवी, उनको टर्न करना डिफिकल्ट होता है, किसी ट्रक की तरह वो चलती थी। और मेनली 1960s, 70s, 80s में जो बसेस मिलती थी, इनका एक्सेलरेशन भी बहुत कम हुआ करता था, जैसे किसी ट्रैक्टर की तरह। लेकिन उस जमाने में वही चीज पीक टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से वो चला करती थी। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स इसके बाद में फेस होना शुरू हुए, जिन्होंने इस बस को डिसकंटिन्यू कराया। पहला था हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। डबल डेकर बस जो होती है वो ज्यादा वजन होती है, ज्यादा ब्रेकिंग इंपैक्ट उन पर लगता है, इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से इनका मेंटेनेंस काफी ज्यादा निकलता था कंपेयर टू किसी नॉर्मल बस से। दूसरा ऐसा इशू निकल के आता था कि जो ये बसेस होती थी, ये शहर के हिली एरियाज में नहीं चल सकती थी। ऐसे एरियाज जहां पर ढलान तीखी हो, वहां पर क्योंकि ये बस ऊंची है तो इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऊपर हुआ करती थी कंपेयर टू नॉर्मल बसेस, जिसकी वजह से टर्न करते समय या फिर इनफैक्ट स्लोप्स पे चढ़ते समय बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि ये बसेस पलट जाए, जो कि सेफ्टी इश्यूज ले आती थी, और इन बसेस को ज्यादा एरिया में नहीं चलाया जा सकता था जहां पर स्लोप्स का इशू हो। वैसे दोस्तों, भारत के अंदर बसेस की बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो आज भी इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और लोग ज्यादातर इन्हें मजबूरी में लेते हैं, चॉइस की वजह से नहीं। लेकिन एक जमाना था जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, या आप कहें तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पर बेंचमार्क सेटअप किया करती थी, और इन्हीं में से एक थी एयर इंडिया। और इसके बारे में हम सुन सकते हो एयर इंडिया इन हिंदी इस ऑडियो बुक के अंदर, जो आपको सुनने के लिए मिलेगा कुको एफएम के ऊपर। कुको एफएम एक मेड इन इंडिया लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जो आपको हजारों किस्म के ऑडियो बुक्स, बुक समरीज और कई सारा नॉन फिक्शन कंटेंट प्रोवाइड कराता है आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ में आप इनके पूरे लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि करेंटली आपको स्ट्रेट अवे 50% डिस्काउंट पे इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, अगर आप कूपन कोड PT50 का इस्तेमाल करते हो, यानी 399 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज में आपको मिल जाएगा पूरे साल के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कुको एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन याद रखना, पहले 100 यूजर्स के लिए ही ये वैलिड होगा। अगला जो इशू इन बसेस के सामने आने लगा था वो ये था कि देश के अंदर जो सिटीज थी उनका इंफ्रा जो है वो कम्प्लीटली चेंज होना शुरू हो गया था। ट्रैफिक सिग्नल्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, पेडेस्ट्रियन पासिंग्स, इन जैसी चीजें जो है आगे जाकर शहरों को कॉम्प्लिकेट कर रही थी। और इसके वजह से कई जगह ऐसी थी जहां पर डबल डेकर बसेस चल ही नहीं सकती थी अपने हाइट की वजह से, और इसलिए उनको चलाने के ऑप्शंस कम होने लगे। लेकिन इसके बाद में भी हम बात करें तो डबल डेकर बसेस ज्यादा पैसेंजर्स को ढोया करती थी और कई रूट्स के अंदर भी इनको स्पेसिफिकली मैनेज किया जा सकता था। तो अब इसके आगे के रीजन समझते कि ये फायदों के बावजूद भी क्यों डबल डेकर बसेस को डिसकंटिन्यू किया गया। सबसे पहली बात, जो सिंगल लाइन की बसेस होती है या आप कहें जो नॉर्मल वाली बसेस होती है, वो पहले इतनी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में अलग नहीं थी कंपेयर टू डबल डेकर बसेस। ये वो जमाना था जब नॉर्मल बसेस बहुत धीरे धीरे एक्सेलरेट करती थी और इनकी व्हील बेस छोटा हुआ करते थे। अगर आप कुछ पुराने बसेस की फोटो देखोगे तो आज वो जितनी लंबी होती है उतनी वो लंबी नहीं हुआ करती थी। लेकिन लेट 80 से ऐसी बसेस मार्केट में आना शुरू हुई जो कि काफी लंबी हुआ करती थी आज के बसेस की तरह, जिसकी वजह से जितनी पैसेंजर कैपेसिटी में बढ़त होती थी डबल डेकर बस से, वो इतनी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कराती थी
थी किसी सिंगल लाइन बस से, और जो मैंने बाकी पहले के ड्रॉबैक्स बताया मेंटेनेंस वगैरह के, उसके कंपैरिजन में फिर सिंगल लाइन बसेस ही बेहतर बन गई। इसके बाद का जो रीजन निकल कर आता है वो ये है कि डबल डेकर बसेस उस जमाने में टेक्नोलॉजी के साथ में भी एक्सेलरेट नहीं कर पाती थी। जैसे मैंने पहले कहा इनका एक्सेलरेशन स्लो था, लेकिन जो नई छोटी बसेस आ रही थी वो बहुत ज्यादा तेज एक्सेलरेट करती है। आज हम बसेस को इतना कंसिडर नहीं करते, हम जानते हैं कि किस स्पीड से और किस तरीके से सिटी के अंदर बसेस चलती है, लेकिन पहले बसेस ऐसी बन ही नहीं पाती थी कि उनको चलाया जा सके। और डबल डेकर बसेस के अंदर ये रीजंस पर्टेन हुए उसके वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेफ्टी इश्यूज, इन चीजों की वजह से, जो कि शहरों के अंदर अच्छा ऑप्शन इनको नहीं बना रहा था। और फाइनली सेफ्टी रीजंस डबल डेकर बसेस के अंदर बहुत ज्यादा थे। ऊपरी मंजिल पर जो इमरजेंसी विंडोज थी वो कुछ काम की नहीं थी, इतने ऊपर से कोई जंप मार के सेफ नहीं रहेगा। अगर बस पलटती, किसी फ्लड में फंसती, ट्रैफिक कोलिजन में आती, तो इसके अंदर इंजरीज के चांसेस और डेथ के चांसेस ज्यादा थे, जिसकी वजह से कई शहरों ने तो इनको बैन भी किया। और ये वो रीजंस है कि कई शहरों के अंदर ये एलिमिनेट क्यों की गई, लेकिन ये मुंबई में क्यों रह गई इसके बारे में जरा शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले आज मुंबई के अंदर सारे के सारे एरियाज में डबल डेकर बसेस नहीं चलती, ये सदर्न मुंबई कुछ भागों में चलती है और कुछ दूसरे स्पेसिफाइड रूट्स पर ही चलती है, जहां पर फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, अंडरपासेस का इतना दिक्कत नहीं आती। उनको इसे उन रूट्स को प्योरली क्यूरेट किया गया है इस काम के लिए, जहां पर इन बसों को चलाया जाता है। दूसरी बात, जो सदर्न मुंबई का भाग है जहां पर ये बसेस चलती है, या आज एक टूरिस्ट एरिया है, बहुत ज्यादा हेरिटेज एरिया भी है, जहां पर कई सारे बिल्डिंग्स के अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं किए जा सकते, रोड्स के अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं किए जा सकते, जिसके कारण ये बसेस इस एरिया के अंदर आज भी चलाने के लिए सूटेबल है। और ये ऐसे एरियाज है जहां पर रोड्स अच्छे खासे चौड़े हैं, कुछ स्ट्रेचेस पर, ज्यादा रोड जो है वो चौड़े नहीं है, लेकिन जिन रोड्स पर ये चलती है वहां पर इतना ज्यादा कंजेशन नहीं होता है, बहुत गंदा वाला ट्रैफिक नहीं होता है, जिसकी वजह से सदर्न मुंबई के अंदर इनको चलाना अच्छा था। और साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा हेरिटेज का इशू भी आ रहा है, क्योंकि ये बसेस जो है वो थोड़ी लेगेसी बन चुकी है। इनफैक्ट अभी जो इलेक्ट्रिक एसी बसेस आई है वो भी सिमिलर डिमांड्स के बाद में आई है, जब डीजल बसेस पूरी तरीके से आउट ऑफ सर्विस होना शुरू हो गई थी और बसेस को खत्म होने का खतरा था, तब इनको ऑर्डर किया गया। और मुंबई की पहचान ये बन चुकी है, इस वजह से गवर्नमेंट इनको एलिमिनेट नहीं करता। आगे जाकर मे बी कुछ और शहर इनको थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नई इलेक्ट्रिक एसी बसेस जो है वो कंपैरेटिवली हाइट में थोड़ी छोटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका नीचे आ जाता है, लेकिन ये चीजें फ्यूचर में ही पता चलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर से आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने टाइम को नॉलेज के साथ में स्पेंड कर सकते हैं कुकू एफएम के जरिए, जहां पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने के बाद। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए कुकू एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूले, और याद रखना पहले 100 यूजर्स के लिए वैलिड होगा।